यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है मैंने पाइथन का, और ये जो है सीएसवी फाइल से रिलेटेड है। तो सीएसवी फाइल को इसमें इंपोर्ट कराया, सीएसवी यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डेटा नाम से एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। अभी लिस्ट डेटा टाइप के बारे में आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ाया मैंने। ये देखिए ये लिस्ट है, और लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, और इसके अंदर एक और लिस्ट बनाई, इसे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। क्या कहते हैं? अब देखिए नेम, एज और सिटी, ये आपकी हेडिंग का काम करेगा, और इसके अंदर अब बहुत सारे नाम, एज और सिटीज दी जाएंगी। तो पहला नाम सूरज, एज क्या है 25, और यहाँ पर देवरिया से रहने वाले हैं ये। दूसरा नाम अपलक है, ये बैकुंठपुर के रहने वाले हैं, एज है 30, और सुमित है, इनका एज है 22, ये अमवा के रहने वाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने सीएसबी फाइल को नेम दिया है, क्या दिया, सैंपल डॉट सीएसबी, कुछ भी दे सकते हैं, ये सैंपल दे दिया हमने, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं कि यही देंगे आप, फिलहाल हम सैंपल ही रखेंगे, ठीक है, इसको सैंपल ही रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर सीएसबी फाइल को ओपन करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए राइट मोड में ओपन करने के लिए मैंने डब्ल्यू लगाया है, ठीक है। और न्यू लाइन के लिए क्या किया, न्यू लाइन जब लेंगे तो यहाँ पे गैपिंग आएगी, और ये एज सीएसबी फाइल कर दिया हमने। और यहाँ पर फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया राइटर नाम का, तो सीएसबी डॉट राइटर, और यहाँ पे सीएसबी फाइल हम राइट करेंगे, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है सीएसबी राइटर डॉट रोज का यूज किया है हमने, और फिर यहाँ पर इस तरीके से सीएसबी फाइल हमारी बन जाएगी जब हम इसको सेव करेंगे और चलाएंगे। तो चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे चलाया, और यहाँ पर किसी भी नाम से सेव करूंगा डॉट पीवाई लगा करके, और जैसे ही चलाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है सीएसबी फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब जब इसको आपको एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे, ये भी एक सवाल है। तो इस वाले प्रिंट को कमेंट कर दिया मैंने, यानी ये लाइन प्रिंटिंग में नहीं आएगी, और यहाँ पर प्रिंट किसको करवा दिया, डाटा को, क्योंकि हमने यहाँ पे डाटा ही नाम से तो बनाया है सीएसबी फाइल, ठीक है। और इसको जैसे ही चलाएंगे तो ये सेम वही चीज प्रिंट करके हमें दे देगा। तो देखिए ये प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है।